नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्याज की फसल की, जो कंद की साइज होती है उसे कैसे इंक्रीज किया जाए या उसे कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों मेरे हिसाब से सभी किसान भाइयों की जो रबी सीजन की जो देसी प्याज होती है वो लगभग 60 दिन या उससे ऊपर 90 दिन तक की हो गई होगी। 60 से 90 दिन तक की सभी किसान भाइयों की फसल हो गई होगी। तो आज हम उसमें कौन सा उर्वरक या कौन सा स्प्रे करें उसकी पूरी जानकारी आपको देंगे दोस्तों। तो यदि उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जानकारी से आप हमेशा अपडेट रह सकें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ ले सके दोस्तों। वैसे यदि बात करें तो समय समय पर हमने सारी जानकारियाँ रोपाई से लेकर भंडारण तक की समय समय पर हमारे चैनल पर अपलोड कर दी हैं। उसमें आपको सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, हमको कौन सी दवाई किस समय स्प्रे करनी है, कितनी मात्रा में करनी है उसकी पूरी जानकारी दे दी है। NPK कौन सा किस समय लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कैल्शियम नाइट्रेट कितनी मात्रा में लेना है, उसका सारा प्रबंधन हमने अलग अलग वीडियो बनाकर हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिया है। तो आप वो भी विस्तृत रूप से जाकर देख सकते हो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए। पर आज हम बात करेंगे विशेष रूप से कि हमारी फसल 60 से 90 दिन के बीच की है तो हमें उस समय क्या है कि पौधे की जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जो ऊपर की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो तो हो चुकी होती है, अब उसका सारा जो कस है वो अब इसके कंद में आना स्टार्ट हो जाना चाहिए जिससे कि हमारा कंद अच्छा बड़ा बन सके। यदि समय से ही हमारा कंद बनना स्टार्ट हो जाता है तो वो लास्ट तक एक अच्छी साइज अपनी ले सकता है और सारे कंद एक समान होते हैं दोस्तों उसमें। तो ऐसा हम क्या करें या कौन सा उर्वरक डालें जिससे कि हमारे कंद एक समान बने और वो अपनी जो साइज होती है वो सही समय पर बनाना स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों जिन किसान भाइयों ने जो अपना DAP होता है वो पहले यदि पूरी मात्रा डाल दी है तो कोई बात नहीं, और यदि पूरी मात्रा नहीं डाली है तो वो जो मात्रा बची हुई है वो खेत में अच्छी से निंदाई कराकर, खरपतवार निकलवा कर, अच्छी से प्याज के खेत में खुदाई कराकर वो मात्रा जो बची हुई मात्रा है वो डाल सकते हैं। और उसके साथ में जो अपने पोटास की जो मात्रा बची है वो भी उसके साथ में यदि बची हो, पहले कम डाली हो, तो वो भी अपने डाल सकते हैं दोस्तों। उसके साथ में दोस्तों यदि हम बात करें तो जिन किसान भाइयों ने 40 दिन के ऊपर, जब 45 दिन या 50 दिन के आसपास जिन किसान भाइयों ने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिसमें बोरोन, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर और ये बहुत सारे 8 से 10 तरह के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनका कि महत्वपूर्ण रोल होता है कंद में चमक बनाने में, पर्दा बनाने में और इनकी साइज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल होता है, वो कॉम्बी पैक यदि नहीं डाला है तो वो भी आप निंदाई कराकर अभी 60 दिन के बाद 90 दिन तक डाल सकते हो दोस्तों, उनका काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसमें। उसके बाद यदि हम बात करें जिन किसान भाइयों ने ये तीनों चीज़ें पहले डाल दी हैं उनके लिए यदि बात करें तो वो कैल्शियम नाइट्रेट देना स्टार्ट कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। कुछ किसान भाइयों के दिमाग में भ्रांतियाँ भी हैं इस कैल्शियम नाइट्रेट को लेकर कि ये हमारी भंडारण क्षमता को प्रभावित करेगा, हमारे भंडारण में प्याज लहसुन जो भी है वो फिर बिगड़ने लग जाएगा। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, यदि इसका उपयोग हम सही समय पर सही मात्रा में और सही तरीके से करें कैल्शियम नाइट्रेट का, तो ये हमारी फसल पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डालता है, हमारे को कुछ भी लाभ ही करता है दोस्तों। इससे क्या होता है कि हमारा कंद एक समान बनता है, छोटे मोटे प्याज नहीं बनते हैं, सारे प्याज की साइज या जिस भी फसल में हम डाल रहे हैं उसकी साइज एक जैसी बनाने का काम करता है और उसमें चमक भी लाता है दोस्तों। तो कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में भी एक पूरा विस्तार से वीडियो हमारे चैनल पर डाल रखा है, वो भी आप विस्तार से जाकर इसके लाभ और जो दुष्परिणाम है, जो यदि हम गलतियाँ करते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं उसकी पूरी जानकारी हमने चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हो। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपको कितना लेना है, यदि आपकी फसल 60 दिन की हो गई है तो आप कैल्शियम नाइट्रेट 60 से 90 दिन के बीच में डाल सकते हो। तो दोस्तों आपको कैल्शियम नाइट्रेट कम मात्रा में यानी कि 5 से 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से यदि आप लेते हो और ये 60 से 90 दिन के बीच में डालते हो तो आपको कोई भी उसका नुकसान नहीं होगा और आपके कंद अच्छे बनेंगे, अच्छी साइज बनेगी, एक समान साइज बनेगी। और यदि आप कैल्शियम नाइट्रेट बोरोन युक्त लेते हो, बहुत सारी कंपनियां बना रही है, आप बोरोन युक्त लेते हो और यदि बोरोन युक्त नहीं मिलता है तो आप 20% जो बोरोन आता है वो अलग से उसमें लेकर मिलाकर ऐड करके छिड़काव उसको मतलब खेत में छिड़क सकते हो दोस्तों, तो उससे आपको अच्छा लाभ होगा जिससे कि बोरोन से इसमें पर्दे की चमक अच्छी रहेगी, पर्दा मजबूत बनेगा और सही समय पर उससे
वो कंद बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप कैल्शियम नाइट्रेट भी उसमें डाल सकते हो, और यदि आपने फॉस्फोरस की मात्रा और ये सब पहले ही डाल दिया है तो आप उसमें इस समय एनपीके का स्प्रे भी कर सकते हो, जिसमें आप एनपीके में इस समय 60 से 90 दिन के बीच में 0-52-34 एनपीके 0-52-34 ले सकते हो, जिससे क्या होगा कि उसकी जो फॉस्फोरस की मात्रा है जो शुरू में तो आपने दे ही दी, अब उसको जो फॉस्फोरस की ज़रूरत पड़ेगी वो एनपीके से लेकर पूर्ति वो कर लेगा, जिसमें कि 52% फॉस्फोरस रहेगा, जिससे कि इसकी जड़ें मजबूत रहेगी और तना मजबूत रहेगा जो कि नीचे नहीं गिरेगा, तो आपको पौधे का जो पूरा कस है वो आपके डंठल में आने के लिए तैयार रहेगा और उससे इसके कंद की साइज अच्छी बनी रहेगी दोस्तों। उसके बाद इसमें जो 34% फॉस्फोरस रहता है 0-52-34 में 34% जो पोटास रहता है उसकी वजह से आपके जो कंद होते हैं उनमें चमक अच्छी रहेगी और इनकी साइज को बढ़ाने में भी पोटास का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। और यदि आपने पहले नहीं डाला है पोटास तो आप उसकी जो बची हुई मात्रा है वो नीचे ज़मीन में भी दे सकते हो, और यदि पहले दे दिया है तो आप 0-52-34 से इसकी पूर्ति कर सकते हो दोस्तों। तो ये बात हो गई स्प्रे की, स्प्रे में एनपीके की बात हो गई। एनपीके के साथ यदि आपके पौधे में आपको यहाँ पर देखना है कि यदि थ्रिप्स है, यदि थ्रिप्स का प्रकोप भी है तो आप कोई सा भी एक कीटनाशक लेकर उसमें स्प्रे कर सकते हो एनपीके के साथ में, जिससे कि आपकी थ्रिप्स भी कंट्रोल हो जाएगी और वो इसके पत्तों को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, जिससे कि इसको भोजन बनाने में अच्छी सहायता मिलेगी पौधे को और ये इसके कंद की साइज को बढ़ाने में मदद करेगा दोस्तों। तो ये थे सुझाव और जानकारी, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।